गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अब डिटरमाइन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिटरमाइन बेस पे, जो कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ले रहे हैं हम इसमें, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स प्लस टू ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री बी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन है x प्लस फोर सी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। देन एबीसी, एबीसी क्या होंगे, फर्स्ट ऑप्शन है कि एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, या तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर एबीसी किसमें, एपी में, या फिर जीपी में, या फिर एचपी में। इस टाइप से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि जेई में आया हुआ है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब किस टाइप से करना है, तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, जो कि आपने किए थे क्रैमर्स रूल से और मैट्रिक्स मेथड, ये आपने यूज किए थे, जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आपने देखा था और होमोजीनियस इक्वेशन भी देखी थी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी आपने सॉल्व की थी। तो क्या है इस फॉर्म में, क्या बन रहा है, तो एक्स प्लस टू ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन भी जीरो इक्वलेंट है और ये भी जीरो इक्वलेंट है। इसका मतलब ये क्या आ गया, होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, कि कॉन्स्ट इक्वल टू फॉर्म में सारे क्या है, जीरो है। और उस होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या आ गया, उससे कंडीशन क्या है, अगर सारी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो आ जाती तब तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन ये क्या आ गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आपने देखा था क्या था, डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा मतलब इन इक्वेशन में से जो वेरिएबल के जो कोफिशियंट है उनको लेके एक डिटरमाइंट फॉर्म बनाई जाती है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाई जाती है, उसे हम कह रहे थे डेल्टा। और उसका डिटरमाइंट जब निकालना है वो तो किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है, क्योंकि क्या है, एज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो उसको आप सॉल्व करते हैं, अभी आपसे क्लियरली हो जाएगा, लेकिन आपने कर लिया है सॉल्यूशन इसका अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसी कोफिशिएंट लेते हैं, तो यहां से डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हो गया वन टू ए और जेड का कोफिशिएंट हो गया ए। यहां से कोफिशिएंट देख रहे हैं वन थ्री बी और ये बी, यहां से देख रहे हैं वन फोर सी और ये आ गया हमारे पास सी। ये डिटरमाइंट किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है। तो अब इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एबीसी एक रिलेशन निकालना है, ये जीरो के इक्विवेलेंट तो है ही, क्या कर रहे हैं इसमें हम, अब इसको सिंपली या तो वन वन दे रखे हैं हमारे पास, या तो डायरेक्ट डिटरमाइंट निकाल लें, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करें, जैसे कि C2 में हम चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइंट की हेल्प ले लेते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। C2 में हमने किया C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C3, ये हम कर रहे हैं C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C3। तो डेल्टा जो हमारे पास आ गया ये तो 111 रह गया, यहां था 2a माइनस a, ये a आ गया, 3b माइनस 2b ये b रह जाएगा, 4c माइनस 2c ये 2c हो गया हमारे पास, और ये एसटीज आ गया हमारे पास, ये तो जीरो आ गया, 2a माइनस c2 माइनस ट्वाइस ऑफ ये जीरो आ गया था हमारे पास, ये गलती हो गई, 3b ट्वाइस ऑफ b ये कंडीशन सही है। तो ये a b c हो गया, ये हमारे पास डेल्टा आ गया, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसमें, इन दो को जीरो बना लें, क्या करें इन दो को जीरो बनाने के लिए, क्या एक तो कर लेते हैं हम R2 में चेंज कर लेते हैं, क्या R2 माइनस का R1, क्योंकि जीरो जब बना लेते हैं मैक्सिमम जीरो होता है हमारे पास डिटरमिनेंट में, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। और R3 में भी चेंज कर लेते हैं, क्या R3 माइनस R1, तो डिटरमिनेंट जो है हमारे पास डेल्टा वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 10 A, ये तो एस डीज है फर्स्ट रो, तो कुछ या नहीं, सेकेंड रो में कर रहे हैं 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, ये बी माइनस जीरो ये बी हो गया, ये b माइनस ए हो गया, नेक्स्ट ये 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, 2c माइनस जीरो ये 2c रह गया, c माइनस ए आ गया, ये हमारे पास है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है। अब हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि आपको पता है कि सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इन चार का ही कैलकुलेशन होगा, बाकी किसी से होगा ही नहीं, क्योंकि सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स के आगे जीरो आगे हम करेंगे भी तो क्या रहेगा, उसका जीरो ही रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या आ रही है, डिटरमिनेंट जब निकाल रहे हैं b इंटू सी माइनस ए
माइनस 2c इंटू बी माइनस ए, दिस इंटू दिस हमने किया जो कि किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया बी सी माइनस ए बी माइनस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू जीरो। अब bc और ये माइनस ट्वाइस ऑफ bc है तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है यहां से, माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ac इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं तो ये इक्वेशन तो नहीं बन पा रही हमारे पास, तो इस माइनस टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या टर्म बन गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ac इज इक्वल टू ab प्लस bc, ये टर्म आ गई। तो यहां से देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म तो बन नहीं पा रही कि कुछ कॉमन एस टाइप आई नहीं रहा कि ट्वाइस ऑफ बी कंडीशन, और एपी के अंदर, एपी के अंदर एबीसी का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, और जीपी भी नहीं बन पा रही है, जीपी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब एचपी, एचपी में मतलब क्या होना चाहिए कि 2/b, तो इसको फॉर्म क्या करते हैं, एबीसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या करा, एबीसी से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या टर्म बन रहा है, यहां जब हम कर रहे हैं इसको एबीसी से डिवाइड कर दिया तो यहां हो गया ट्वाइस ऑफ ac डिवाइड बाय एबीसी, ये हो गया ab डिवाइड बाय एबीसी प्लस bc डिवाइड बाय एबीसी, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, एबीसी से डिवाइड कर दिया, तो यहां ac गया, ये ab टर्म गया और ये bc गया, तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a, ये किसमें होता है, ये हो गया एचपी में, मतलब एबीसी किसमें आ गया हमारे पास, एचपी में आ गए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हम तभी कर पाए जब हमने ये पकड़ा कि हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन होमोजीनियस में क्या हो गया कि डेल्टा डिटरमिनेंट जो है वेरिएबल के कोएफिशिएंट की जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो किसके इक्विवेलेंट की, जीरो के इक्विवेलेंट करी, तब जाके हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, एबीसी आर इन एचपी, मतलब के डी ऑप्शन आया हमारे पास के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आया हुआ है आईआईटी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एंड fx, fx एक डिटरमिनेंट फॉर्म में है, क्या है कि 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये दे रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स है, और यह है 1 प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये है 1 प्लस सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये भी होल मल्टीप्लाई बाय एक्स है 1 प्लस सी स्क्वायर, और ये है 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। तो ये एफ एक्स जो है एक डिटरमिनेंट फॉर्म में दे रखा है, और क्या दे रखा है, देन क्या करना है, देन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन के अकॉर्डिंग किस डिग्री फॉर्म में होगा, अगर इस एफ एक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या रहती है, मतलब 1 लीनियर इक्वेशन में रहता है या 0 पॉलिनोमियल डिग्री रहती है या क्यूबिक रहती है या फिर ट्वाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बन रही है, तो सब कैसे पता लगेगा किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां तो सब क्या है एक्स 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 है, तो ये सिंप्लीफाई करके ही देखना पड़ेगा हमको कि इसका डिटरमिनेंट किस फॉर्म में आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं, अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा लेंथी फॉर्म है तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये तो सेम टर्म है और ये बी में जाएगा, ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हम ऐड करते हैं कॉलम वाइज। तो हमने क्या करा, C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये किया हमने, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक्स है यहां पर और बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, इस टाइप से लिख लेते हैं हम इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 और 1, ये एक्स भी आ रहा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गए, इसमें हमने लिख दिया होल मल्टीप्लाई बाय एक्स। कैसे लिखा, इस 1 को तो एसटी लिख लिया, और इसमें क्या कर रहे हैं हम कि 1 प्लस 1 मतलब x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमने लिख दिए, तो इस x के जो मल्टीप्लाई फॉर्म है वो हमने अलग लिख लिए और 1 को अलग लिख लिया, इधर भी ऐसे बनेगा 1 एस टी आ जाएगा, इधर
और ये वाली टर्म ऐसी चल जाएगी, तो ये भी ऐसी बन जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एक्स है। और थर्ड रो जो है वो भी एस चीज आ जाएगी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स आ गया। और सेकेंड सॉरी ये अपने पास आ गया कॉलम में, फर्स्ट रो ये आ गया, सेकेंड रो ये आ गया, थर्ड ये आ गया कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हम एस चीज ले लेते हैं, वन प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हमारे पास वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, और ये है वन प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसे सेकेंड कॉलम लिख देते हैं वन प्लस सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेम ये नंबर भी यही है। और थर्ड वाला जो है वो है वन प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब इसको जब सॉल्व करें देखें, आपको दिख रहा है ये कॉमन आ रहा है कि हम कह रहे हैं इस पूरी कॉलम में कॉमन है तो हम क्या लेते हैं बाहर ले लेते हैं, लेकिन इसको बाहर लेने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टर्म गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसी इक्विवेलेंट है, माइनस टू के इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास गिवन है तो उसकी हेल्प लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ माइनस टू पुट करते हैं और प्लस टू ऑलरेडी है तो प्लस टू माइनस टू क्या हो गए जीरो हो गए, तो ये पूरी टर्म तो जीरो बन गई। ठीक है, तो ये जीरो बन गई तो हमारे पास क्या आ गया, यहां बचेगा क्या, यहां बच रहा है हमारे पास वन वन वन, और ये कैसे बच गया, ये ऐसे लिख दिया वन प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो गया वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये हो गया वन प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आ रहा है वन प्लस सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स वन प्लस सी स्क्वायर, ये एक्स आ गया और ये हो गया वन प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये डिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। कैसे हुआ? क्योंकि हमको पता था क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू किसके है, माइनस टू के इक्विवेलेंट है, जिससे ये पूरा क्या हो गया, यहां माइनस टू पुट करेंगे तो ये प्लस टू माइनस टू क्या हो गया जीरो हो गए, तो ये जीरो होते ही पूरा टर्म क्या बन गई जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा वन बचेगा। तो अब फाइनल डिटरमिनेंट हमारे इसको सॉल्व करके यह आया, अभी भी एफ एक्स पूरा सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास पता लग गया ये वन वन है, तो वन वन आते ही हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या करते हैं, लास्ट टू वन को जीरो बना लेते हैं। कैसे बनाए कि इसमें तो कर लेते हैं आर टू में तो करते हैं आर टू माइनस का आर वन, सेम आर थ्री में कर लेते हैं आर थ्री माइनस का आर वन, आर टू माइनस आर वन कर लेते हैं आर थ्री माइनस आर वन करते हैं। तो एफ एक्स जो हमारा है किस फॉर्म में आएगा, ये फर्स्ट हम ऐसे लिख देते हैं वन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, फर्स्ट होता है ऐसी लिख दी। अब इसमें जब लिख रहे हैं तो वन माइनस वन ये हो गया जीरो, सेकेंड जब इसमें लिख रहे हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर तो एक्स तो कट जाएंगे, ये हम यहां रफली लिख लेते हैं इसको, ये इसको मिटा लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास टर्म, जैसे कि 1 प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये टर्म थी 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये था 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब r2 माइनस r1 कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म गई तो क्या बचा 1 माइनस एक्स बचेगा आपके पास, यहां से 1 माइनस एक्स बचा, और ये तो पूरी इसमें हम देख रहे हैं आगे देख रहे हैं वन प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये तो पूरी टर्म है तो ये तो पूरा क्या आ गया जीरो ही आ गया। नेक्स्ट थर्ड रो के लिए देख रहे हैं तो वन माइनस वन ये जीरो हो गया, और वन प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय एक्स ये इसको कर रहे हैं तो ये भी जीरो आ गया, और इसमें से जब कर रहे हैं तो वन प्लस सी स्क्वायर एक्स में से माइनस कर रहे हैं तो जैसे इस टाइप से किया था तो क्या आ गया इसमें, ये भी क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स आ जाएगा। तो हमारे लिए इजी हो गया, क्या करना रहा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही करना रहा और वो भी सिर्फ डायगनल वाला, कि ये सारे एलिमेंट क्या है जीरो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे जब हम तो क्या आएगा जीरो इंटू दिस माइनस जीरो इंटू दिस, और थर्ड के लिए करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो जीरो इंटू जीरो माइनस वन माइनस एक्स इंटू जीरो, तो ये सारे जीरो आ रहे हैं, सिर्फ डायगनल वाले का ही काम करना है। तो यहां से हमारा एफ एक्स किसके इक्विवेलेंट आ गया वन इंटू वन माइनस एक्स इंटू
वन माइनस एक्स मतलब के वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कुछ भी बोल दें हमारे इसमें। तो क्या आ रहा है ये, किसकी फॉर्म में आ गया, एक्स अगर कर रहे हैं इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉलीनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग क्या आया, टू डिग्री। डिग्री क्या आई इसमें हमारे पास, टू पॉलीनोमियल डिग्री कितनी आई, टू। तो वही था क्वेश्चन, सिंपल था, बस डिटरमाइंड फॉर्म को सॉल्व करना था। अगर थोड़ी डिटरमाइंड फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइंड की, उसके अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई किया तो किस फॉर्म में आ गया, सेकंड डिग्री में आ गया। और क्वेश्चन करते हैं इसमें जो कि आईआईटी जेई में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ d इक्वल टू डिटरमाइंड फॉर्म दे रखी है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल टू 0 देन d इज, मतलब ये डिटरमाइंड किस फॉर्म में होगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिविजिबल बाय x बट नॉट y, डिविजिबल बाय y बट नॉट x। थर्ड ऑप्शन है डिविजिबल बाय नाइदर x नॉर y, ना तो x से डिवाइड हो रहा है नहीं y से। डी ऑप्शन है डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। तो ये कैसे पता लगेगा, हमको इसका डिटरमाइंट निकालना ही पड़ेगा और ये इजी है जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जे में आया हुआ है क्वेश्चन। कैसे कर रहे हैं इसको, वन वन दे रखे हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, आप किसी को भी जीरो बना लें इजी रहेगा। तो हमने क्या करा इसमें, वही आर टू में चेंज कर रहे हैं आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में भी कर लेते हैं आर थ्री माइनस आर वन। क्या होगा इससे, ये आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट रो तो हमने ऐसे लिख दी, सेकेंड रो जब कर रहे हैं वन माइनस वन ये जीरो हो गया, वन प्लस एक्स माइनस वन कर रहे हैं तो ये एक्स ही रह जाएगा और ये कितना हो गया जीरो हो गया। नेक्स्ट ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और इसको हम जब इसे कर रहे हैं तो क्या रह गया वाई रह गया। ये था हमारे d इक्वल टू, तो ये तो बहुत इजी टर्म बन गई कि ये जीरो बन गया है तो सिर्फ डायगनल ही हमारे काम में लेना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग वन इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब डिटरमिनेंट क्या रहा एक्स इंटू वाई। तो इजिली आपके पास आ गया, किससे डिवाइड कर रहा है ये एक्स से भी डिवाइड होगा और वाई से भी, तो क्या आ गया इसके अंदर बोथ एक्स एंड वाई, मतलब डी जो है वो दोनों से डिवाइड हो गया बोथ एक्स एंड वाई। इजी क्वेश्चन था हमारे पास, और करते हैं क्वेश्चन में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें, लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर, सपोज दैट दे आर रियल नंबर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, मतलब एक्स वाई जेड में सारे क्या है जीरो नहीं है, हो सकता है एक्स जीरो वाई जेड जीरो ना हो या फिर वाई जीरो एक्स जेड जीरो ना हो, तो इस टाइप से सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, सच दैट एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये दे रखी है, एक दे रखी है वाई इक्वल टू ए जेड प्लस सिक्स सी एक्स, और थर्ड है जेड इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। देन आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी, किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है ये किसके इक्विवेलेंट आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन टू माइनस वन जीरो और वन के, इनमें से किसके इक्विवेलेंट आ रही है। तो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इजी है, बस आपको क्या ध्यान देना है कि अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पॉइंट पता होने चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो ये है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस सी वाई और ये माइनस का बी जेड, ये इक्वल टू जीरो हो गया। ऐसे ही जब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस का वाई प्लस का ए जेड इक्वल टू जीरो। ऐसे ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें क्या बन रहा है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का जेड इक्वल टू जीरो। तो ये तीन लीनियर इक्वेशन हमने अरेंज कर ली, अब देख रहे हैं इक्वल टू फॉर्म में सारे क्या है जीरो है, तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, तो ये ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या हो गया ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन शुड नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है,
क्यों? क्योंकि क्या हो गया, एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू जीरो नहीं है, इनकी वैल्यू जीरो होती तो हमारे पास क्या होता, यूनिक सॉल्यूशन पे आया था। तो क्या हो गया, ये डेल्टा इक्वल टू जीरो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लेने पड़ेगी। और डेल्टा हमारे पास क्या होता है, इन वेरिएबल्स के कोफिशियंट्स लेने पड़ते हैं। तो जब हम बना रहे हैं तो इसका कोफिशियंट हो गया 1cb, और यहां देख रहे हैं माइनस सी माइनस 1a, और यहां आ गया माइनस बी ए माइनस 1, ये हमने इसको बोल दिया डेल्टा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या देखना है, डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये तो डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया, क्या हो गया ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन तो रहा ही नहीं। तो अब इसको जीरो इक्विवेलेंट कर रहे हैं अपन जब, तो क्या है इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि इक्वेशन बन रही है तो इसके इक्विवेलेंट किस फॉर्म में जा रहा है, मतलब कि क्लियर हो गया कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब एक कॉन्स्टेंट फॉर्म रहता है वो इन चारों में से क्या बन रहा है, हो सकता है जीरो हो, हो सकता है माइनस वन हो, वन हो या टू हो, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की जब हेल्प लेते हैं इसमें तो वो लेंथी पड़ रहा था, क्योंकि सारे कॉलम वाइज देखते हैं तो यहां सी बी है, इधर रो वाइज देखते हैं तो यहां सी बी है, तो रो और कॉलम वाइज मिल नहीं रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम एक्सपेंड अलोंग आर वन, जो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। तो यहां डेल्टा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग वन, और ये भी वन हो गया, माइनस का ए स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग माइनस सी है, लेकिन कितना आएगा ये प्लस का सी हो जाएगा, फिर माइनस सी माइनस का ए बी, माइनस सी माइनस ऑफ ए बी, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग ये आ गया माइनस बी, फिर ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी, और ये किसकी इक्विवेलेंट है, जीरो। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इससे हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, देखते हैं वन माइनस ए स्क्वायर, ये तो एस टीज हो गया, ये माइनस का सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनस का ए बी सी। नेक्स्ट यहां देख रहे हैं तो माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये सारी माइनस में टर्म है, इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आ गया वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस ऐड हो गए तो ये हो गए प्लस का टू ए बी सी, और वो किसकी इक्विवेलेंट रह गए, सारी टर्म हमने ले ली, किसकी इक्विवेलेंट आ गए वन के इक्विवेलेंट, तो ये पूरी टर्म क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी सी, किसकी इक्विवेलेंट आ गया ये वन के इक्विवेलेंट, मतलब के डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन इजी था, बस क्या ध्यान में रखना था कि एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, तो करना क्या है, डेल्टा को जीरो इक्विवेलेंट लेना है या नहीं लेना है, क्या करें, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट लेके ये आंसर तो बन जाता लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालते, तो वो हमने क्या लिया डेल्टा इक्वल टू जीरो लेके, मतलब के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन बन रही थी और एक्स वाई जेड मतलब क्या थे, इनकी वैल्यू जीरो नहीं थी तो वो यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चंस लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, लेट ए बी सी सच दैट बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ दो डिटरमिनेंट फॉर्म दे रखी है और एडिशन फॉर्म इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है, ए माइनस बी सी, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन। एडिशन ऑफ सेकेंड डिटरमिनेंट फॉर्म है ए प्लस वन ए माइनस वन, यह है माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू इंटू ए, यह बी प्लस वन बी माइनस वन, यह है माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी, यह है सी माइनस वन सी प्लस वन माइनस वन टू द पावर एन सी, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट, ये गिवन है। देन वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, एनी इवन इंटीजर ऑप्शन है हमारे पास, या तो एनी इवन इंटीजर है या एनी ऑड इंटीजर है या एनी इंटीजर या फिर जीरो, ये हमको चेक करना पड़ेगा कैसे इंडिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और किसके इक्विवेलेंट रखना है, जीरो के, या यू क्या है कि ऐसा सॉल्व करें जिससे वो आंसर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, जो से एन की वैल्यू हम निकाल पाए।
तो कैसे करें इसको, अब दो डिटरमिनेंट फॉर्म है, एक को तो हम डेल्टा वन मान लेते हैं, इसको तो हम डेल्टा वन मान लेते हैं और इसको डेल्टा टू मान लेते हैं। ये दो डिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, तो क्या कंपेयर करें इस टाइप से जो हमारे पास फटाफट सॉल्व हो जाए, या तो पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करें फिर सिंप्लीफाई करें, जो कि बहुत लेंथी दिख रहा है। प्रॉपर्टीज की हेल्प लें, क्योंकि अंदर ही क्या है, टिपिकल फॉर्म दे रखी है, वैल्यूज ही जो है लेंथी है, तो प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं। क्या कर रहे हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है, यहां ए माइनस बी सी है और स्टंप में इसमें नहीं दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है, ए बी सी यहां नीचे दिख रहे हैं लेकिन माइनस वन टू दी पावर में दिख रहे हैं, और ए प्लस वन ए माइनस वन दिख रहे हैं, यहां ए प्लस वन ए माइनस वन, यहां तो रो वाइज में दिख रहा है, यहां कॉलम वाइज में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सेकेंड डिटरमिनेंट जो है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा टू, मतलब के सेकेंड डिटरमिनेंट, और फर्स्ट डिटरमिनेंट जो है वो ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया ए माइनस बी, ये सी, ये ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, यहां आ गया ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, और यहां जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो है जो कॉलम में चेंज होगी, तो प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज किया तो ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास ए माइनस वन बी माइनस वन, ये हो गया सी प्लस वन, और ये हो गया हमारे पास माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ए, माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी, और ये हो गया माइनस वन टू द पावर एन इंटू सी, जो कि जीरो इक्विवेलेंट था। आप क्या हो गया, देखो ये आपने समझ में आ रहा है, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन सेम मिल गया, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन ये भी सेम मिल गया, लेकिन फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है और यहां दो कॉलम सेम आ रही है इन दो कॉलम के, तो इसको इस डिटरमिनेंट फॉर्म को इसी के सिमिलर हम कर देते हैं। कैसे, इस वाली कॉलम को इंटरचेंज करते हुए यहां लिया है और ये सेकंड कॉलम बन जाए और ये थर्ड कॉलम बन जाए, तो इसको हम कर सकते हैं कैसे, हमको प्रॉपर्टी लिखी हमने फॉर डेल्टा टू, क्योंकि हमको पता है ये डेल्टा वन है और ये क्या है डेल्टा टू है, तो हम किस लिए कर रहे हैं फॉर डेल्टा टू, डेल्टा टू में क्या कर रहे हैं सी वन, सबसे पहले तो हम इसमें करते हैं सी टू इंटरचेंज सी थ्री, इन दोनों का इंटरचेंज किया तो ये वाली कॉलम तो लास्ट में चली गई, ये कहां आ गई सेकंड पे आ गई, अब वापस इंटरचेंज करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी, देन आफ्टर हमने लिखा देन सी वन इंटरचेंज सी टू, ये हम कर रहे हैं इसमें। फिर अब इंटरचेंज करने के बाद जैसे कि C2 इंटरचेंज C3 कर लेंगे, फिर C1 इंटरचेंज C2 करेंगे, तो इसमें यहां हम लिख लेते हैं इसको ये जो टर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट जो है डेल्टा वन जो है उसको हम एस टीज लिख देते हैं, ये तो हमारे पास आ गया एस टीज ए माइनस बी सी, ये हो गया ए प्लस वन, ये हो गया बी प्लस वन सी माइनस वन, ये ए माइनस वन था, ये बी माइनस वन, ये सी प्लस वन, एडिशन फॉर्म। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, ये वाली तो चली गई किसमें सेकंड में, और सेकंड वाली कहां चली गई थर्ड में, और ये थर्ड वाली कहां गई फर्स्ट में, जो कि हमने किया सी टू इंटरचेंज सी थ्री, पहले इन दोनों का इंटरचेंज कर लिया, फिर सी वन इंटरचेंज सी टू, तो ये हमने किया तो ये हो गया माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ए, माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी, माइनस वन टू द पावर एन, ये हो गया सी। नेक्स्ट आ गया ए प्लस वन, ये हो जाएगा बी प्लस वन, ये हो गया सी माइनस वन। नेक्स्ट कॉलम ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, ये हो गया हमारे पास। अब देख रहे हैं कि दो कॉलम तो सेम आ रही है, थर्ड वाली में हम देख रहे हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, हमको क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें हम, यहां पर ए बी सी स्टंप बन रही है। अब ये जब डिटरमिनेंट फॉर्म ने कर दिया है तो दो कॉलम तो सेम आ रही है हमारे पास इसमें, अगर इसमें माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ये स्टंप बन जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, और यहां से हमारे पास ए माइनस बी सी है तो यहां पर भी ए माइनस बी सी मिल जाएगा हमें, तो दो डिटरमिनेंट सेम बन जाएगी। तो कैसे बना सकते हैं इसको, यहां रफली लिखते हैं हम इसमें, तो जैसे कि माइनस वन
टू दी पावर एन प्लस वन इंटू बी है। अब बनाना अपन को क्या है, प्लस टू करना है, तो प्लस टू एन प्लस टू कैसे करेंगे कि एक माइनस वन मल्टीप्लाई फॉर्म में आना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इसी टर्म के लिए, हीट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम। तो माइनस वन और माइनस वन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन गया, माइनस वन टू दी पावर ये बन गया एन प्लस टू बन गया, और ये जो वाला माइनस था ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो ये हम इसके लिए लिख देंगे, इसको हम टर्म चेंज कर लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे लिए माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू माइनस का भी सेम, यहां पर भी माइनस वन टू द पावर एन है तो माइनस वन टू द पावर एन इंटू सी है, मेरे को चाहिए प्लस का टू, मतलब के माइनस वन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने हीटर ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग। तो माइनस वन और माइनस वन बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो ये तो बन गया माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू हो गया इंटू सी, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो रहा है, वन हो रहा है, तो ये तो सी रह गया, तो यहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, लिख सकते हैं एन प्लस टू, ये टर्म हो गई हमारे पास एन प्लस टू। इसे क्या हेल्प मिली हमें, हमने क्या करा फॉर डेल्टा टू, डेल्टा टू के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर डेल्टा टू टेकिंग आउट माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम सी वन में से माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए बात क्या बन रहा है, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा इसमें हमारे पास, ये टर्म और ये टर्म अगर हम यहीं देखें तो इसमें से ये माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया ए माइनस बी सी, ये था ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ये हो गया हमारे पास ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, ये प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू कॉमन आ गया तो ये बन रहा है ए, ये हो गया माइनस बी, ये हमारे पास सी, और ये टर्म एस इज ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, और ये आ गया ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, ये टर्म हमारे पास एस इज हो गई। तो क्या आ रहा है, दोनों डिटरमिनेंट सेम है, ए माइनस बी सी, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, सेम है, पूरी डिटरमिनेंट सेम है। तो हम कॉमन लेके लिख सकते हैं कि यहां से वन बचेगा, यहां से ये टर्म है तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए माइनस बी सी, ये हो गया ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ये था हमारे पास ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा वन, और यहां से बचा माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू, ठीक है, और ये सब किसी इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है, ये हमें क्लियर है। तो इतना हमने जब कर लिया तो अब इसके रिलेशन, अब इसको हमको देखना पड़ेगा इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, क्या टर्म बन रही है यहां से जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है यहां पर a प्लस वन और a माइनस वन, ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस टर्म में हम कर देते हैं c2 में तो चेंज कर देते हैं c2 माइनस c1, c2 में c1 को माइनस करते हैं और c3 में चेंज करते हैं c3 माइनस c1, इसमें भी वही करते हैं। तो फर्स्ट तो ऐसी आ गई a माइनस बी सी हो गया, a प्लस वन में से ये a जा रहा है तो ये बचा वन, b प्लस वन में से माइनस ऑफ b जब ये टर्म बच रही है तो क्या हो गया b प्लस वन माइनस ट्वाइस माइनस और हो गया तो ये हो गया टू बी प्लस वन, और c माइनस वन ये सेपरेट हो रहा तो ये बच गया माइनस का वन, ऐसे a माइनस वन में से गया तो ये बच गया माइनस वन, b माइनस वन माइनस माइनस तो ये हो गया टू बी माइनस का वन, सी प्लस वन में से ये सेपरेट हो रहा है तो ये बच गया हमारे पास वन, और ये ऐसी हो गया हमारे पास वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं
हम इसमें आर वन में लिख सकते हैं आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री जब हम करेंगे आर वन प्लस आर थ्री में करते हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ए प्लस सी, ये वन माइनस वन ये जीरो हो गया, क्योंकि या तो कॉलम में या रो में हम जीरो बना लें तो हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म इजी हो जाएगी। तो माइनस बी इसको एज इज रहने दिया और ये है टू बी माइनस वन और ये सी माइनस वन वन, ये टर्म बन गई और ये एज इज है वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि इसको हम सॉल्व कर लें सी थ्री में, सी थ्री में चेंज कर रहे हैं सी थ्री प्लस सी टू, तो सी थ्री प्लस सी टू जब कर रहे हैं तो ये फर्स्ट तो ऐसी चीज आ गई ए प्लस सी माइनस बी सी, ये भी ऐसी चीज आ गया जीरो टू बी प्लस वन माइनस वन, और इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये जीरो टू बी प्लस ये फोर बी और माइनस वन प्लस वन ये हट गया और ये बी क्या हो गया जीरो हो गया, तो ये टर्म बन गई और ये ऐसी सही वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारे पास टर्म। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो देखा आपने ये फर्स्ट रो में जीरो बन गए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ही काम आएगा, तो क्या आया ए प्लस सी इंटू टू बी प्लस वन इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया, क्या बचा माइनस ऑफ फोर बी माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और क्या मतलब है, मैं हमारे पास वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ये पूरा क्या है जीरो है, तो अब देख रहे हैं यहां से फोर अगर हम हटा लें तो ये फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जीरो चला गया, और क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था हमारे पास कि b इंटू ए प्लस सी ये क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब पूरा क्वेश्चन जो है डिपेंड है इस पे है, मतलब कि वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ठीक है, और ओवरऑल सॉल्यूशन का आंसर कितना दे रखा है जीरो, तो b इंटू ए प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब इस रिलेशन से ही आंसर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो ये जीरो कब पॉसिबल है, ये तो प्लस का वन है, ये माइनस वन आए तभी पॉसिबल है, वन माइनस वन तभी जीरो हो पाएगा, तो ये माइनस वन कब बन पाएगा, तो माइनस वन की पावर इवन होगी तब तो क्या आएगा प्लस में आ जाएगा, और माइनस वन की पावर ऑड हुई तभी आ पाएगा क्या नेगेटिव, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैं टू जीरो फोर रखता हूं इवन वैल्यू रखता हूं तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हुई ऑड, एनी ऑड नंबर वन रखता हूं तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू थ्री हो गए, तो माइनस वन की पावर थ्री मतलब माइनस में आ गया तो वन माइनस वन जीरो हो गया, थ्री रखता हूं तो फाइव आ गई तो अभी क्या आ रहा है ऑड फॉर्म के अकॉर्डिंग वन माइनस वन जीरो हो गया, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए एनी ऑड नंबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा एनी ऑड नंबर के अकॉर्डिंग ये टिक हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि जेई में आए हुए थे क्वेश्चन, फिर कल हम और क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई और एडवांस मेंस में और एडवांस में आए हुए हैं।